नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। श्यामलाल जोगचंद की जो प्रतिज्ञा यात्रा थी उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस के नेता महासचिव जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कमलेश पटेल, वे कहते सुने जा रहे हैं कि किसान आंदोलन उन्होंने किया था। उसके बाद ये सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ और इस पर राजनीति भी गरमाती हुई दिख रही है। वहीं इसको लेकर अब जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने किसान आंदोलन कराने की स्वीकृति कांग्रेस नेताओं ने साजिश का पर्दाफाश कर रही है। स्पष्ट है कि सत्ता के लालच में मंदसौर जिले सहित प्रदेश को आग में झोंकने का काम कांग्रेस ने किया था। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद जी, उनसे बात करेंगे कि क्या मानते हैं कि क्या किसान आंदोलन कांग्रेस ने किया था। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मजदूर किसान और आम लोगों की लड़ाई लड़ती है। जब जब अन्नदाता किसानों के ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उस लड़ाई को लड़ेगी। एक समय था 2017 का, उस समय जो सोयाबीन के भाव 2500 रुपए, कलौंजी के भाव 2000 रुपए, लहसुन के भाव 2500 रुपए, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हर माल जिस प्रकार से मेले में 2500 रुपए होता है कि जो एक मेले में कहावत होती है कि हर माल 2 रुपए, इसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने हर माल 2500 रुपए कर दिया था और अन्नदाता किसानों को प्रताड़ित किया था। उस समय सारे कांग्रेस के लोगों ने, सारी आम जनता ने मिलकर के, किसानों ने मिलकर के जो आंदोलन चलाया, लेकिन जो माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी, मैं उनका बड़े आदर भाव के साथ कहना चाहता हूं कि अन्नदाताओं का गला घोटने की अगर कोशिश करोगे तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सारे लोग उनके साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान मजदूर गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए, गरीबों के हक और अधिकार में लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जैसे ही किसान का भाव बढ़ता है तो माननीय हमारे वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के पेट में दर्द होता है, साथ साथ में हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके पेट में दर्द होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्नदाताओं की जब भी लड़ाई लड़ने का मौका आएगा, हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और किसान इस देश का मालिक है, इस देश का अन्नदाता है, और अन्नदाताओं की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने हत्या करके छह किसानों की हत्या कर दी, पुलिस की गोलियों से 6 किसानों की छातियों को भून डाला, 6 अन्नदाता किसानों को घायल कर दिया, तो ये जो कृत्य हत्यारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने करा है, उस कृत्य का उनका जो पाप है, वो भले ही जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री जी अभी उस दाग को धोने की कोशिश करे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये महापाप माननीय शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने किया है, ये पाप धुलने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी डुबकी लगा ले। श्यामलाल जी, अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का एक बड़ा आरोप ये भी है कि आपने जो है सत्ता के लालच में मंदसौर सहित पूरे प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही जिस तरह आपने कहा कि शहीद हुए थे उन 6 किसानों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके बाद जिस तरीके से आपका एक कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि हमने आंदोलन कराया था, क्या मानते हैं आप ये किस तरह की राजनीति है? जब भी कोई किसान अन्नदाता आंदोलन करते हैं, भारत के संविधान में व्यवस्था है कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाता है, ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इजाजत देता है। बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दे रखे है, महात्मा गांधी ने अधिकार दे रखे है, और आंदोलन और हड़ताल से जो 200 सालों से अंग्रेजों का राज था उसका खात्मा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, आंदोलन की बदौलत आजादी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने काम किया, हमेशा किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी रहेगी और कभी भी कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बुजुर्ग आदमी को, जो माननीय देवड़ा जी है, मैं उनका आदर करता हूँ कि इतने वरिष्ठ और इतने बुजुर्ग आदमी है, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमेशा लोकतंत्र में
विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर जनता के ऊपर कोई अन्याय करता है और चुनी हुई सरकारें अगर कुछ करती है तो इस बात का संविधान इजाजत देता है कि हम उनकी लड़ाई लड़े। क्या माना जाए कि आप मानते हैं किसान आंदोलन आप लोगों ने कराया था, किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने ही कराया था, इसको आप स्वीकार करते हैं? किसान आंदोलन किसानों ने किया, इस सरकार ने किसानों के ऊपर छातियों पे गोलियां चलाई, लेकिन अगर कोई गोलियां चलाएगा और अगर कोई अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय करेगा तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पूरी शक्ति के साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी और अन्नदाता किसानों को न्याय दिलाएंगे। जब किसान आंदोलन हो रहा था, गोलियां चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आंसू पोंछने का काम अन्नदाता किसानों का किया है और वो हमेशा करते रहेंगे। तो ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिन्होंने कहा कि किसानों के आंखों का आंसू पोंछने का काम कांग्रेस ने किया है, साथ ही जिस तरीके से आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इन पर लगा रही है, हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी। ये था आप तक अपडेट, सिर्फ अपडेट के बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।